नमस्कार, इंटरनेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सिर्फ विकास कार्यकर्ता हूं आनंद सिंह उर्फ पिंटू निर्वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बेरू अरबारी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सुपुरा गांव के निर्वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि आनंद सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने बताया कि विकास ही विकास करता हूं। नाली सड़क 16 अलर्ट कुर्सी आदि कार्य किए हैं। मेरा कार्यकाल से जनता की खुश है और पुनः बहुमत से जनता हमें चुनेगी। आनंद सिंह उर्फ पिंटू निर्वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि सुपुरा बलिया। मैं आनंद कुमार सिंह प्रधान प्रतिनिधि सुखपुरा। जी प्रधान जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी कार्यकाल की अवधि खत्म हो गई है और इतनी विगत 5 सालों में अपने ग्राम सभा के लिए किस तरह विकास काम किया आपने? विकास जो भी जरूरत के अनुसार जितना हम लोग जैसे हर साल का योजना बनाते हैं और जितना शासन से धन उपलब्ध होता है उसके अनुरूप जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ वहाँ काम किया जाता है। और नियर अबाउट हम समझते हैं कि गांव के अधिकांश जो समस्याएं हैं वो हमने हल कर दिया है विकास। जी हम आपसे जानना चाहते हैं 2011 के अनुसार कितनी आवास मिले थे आपके यहाँ गाँव में? 2011 के अनुसार अभी तक हम लोग 158 आवास दिए हैं इस 5 सालों में। नए जो सूची बनी इसमें इसमें भी? हाँ, इसमें भी 8 आवास दिया गया है। जी जी, कुछ शेष रह गया क्या गांव में आपके? हाँ, अभी जो ये नई सूची है इसमें करीब 55-60 आवास और बाकी हैं, जो कि जैसा ही लक्ष्य आएगा उसकी पूर्ति की जाएगी। आपके यहाँ ग्राम सभा में कितने शौचालय बन चुके हैं, कितने छूट गए हैं एमआई न होने के कारण? शौचालय हम लोगों के यहाँ करीब 1400 बना है, 1400 कुछ शौचालय बने हुए हैं हमारे यहाँ। और कुछ लोगों ने अपना अभी दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमको लगता है कि 150-200 लोगों का भी बचा हुआ है। जी, क्योंकि एमआईएस नहीं हो पाया। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपके ग्राम सभा पंचायत भवन का निर्माण हुआ है? हाँ, हो गया है। सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय भी बना है। जी जी, आपके ग्राम सभा में कितने प्रतिशत नालियां सड़क बन गई है? अब करीब प्रतिशत में तो हम समझेंगे 80% बन गया है। मुख्य नाला नहीं बन पाया है, जो कि यहाँ का पानी ताल में जाए, नहीं तो बाकी नालियाँ सब बन गई हैं। जैसे हर ग्राम सभा हो चाहे वो किसी का भी एरिया हो, एक अगर विकास काम होते हैं तो वहाँ रोड़ा भी पड़ते हैं, विरोध भी होता है, क्या आपके यहाँ भी होता है? हर जगह होता है। देखिएगा, आप तो खासतौर से ये समय चुनावी वर्ष रहा है तो जो भी प्रधानी की तैयारी करते हैं लोग अपना कुछ ना कुछ अपना गणित लगाते रहते हैं, लेकिन वो कोई बहुत ये नहीं है। समाज में भाई पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, ग्राम सभा की आबादी के अनुसार पैसे ही आते हैं और प्रधान चाहता हम ये काम कराते वो काम नहीं करा पाते हैं, तो क्या आपके मन में हो गई या ग्राम सभा में विकास के अपने गाँव के नंबर वन बनाए वो नहीं हो पाया धन के अभाव में? है थोड़ा सा, जैसे यहाँ जो सबसे बड़ा मुख्य समस्या है कि जो रोड के अगल बगल से नाला का निर्माण जो है जो टालता है, जो कि बजट नहीं होने के कारण नहीं कर पाते, क्योंकि वो बड़ा काम है और यहाँ नाला बनाना अति आवश्यक है। जी, जिसके लिए आपने कहीं विधायक सांसद जैसे विधायक जैसे हमने इस रोड के बारे में खरीदने के लिए भेजा हुआ है, जी जी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या अगर आपकी सरकार की मंशा के अनुसार अगर पुनः क्षेत्र में आते हैं वो जनता पुनः बहुमत से विश्वास करती है तो क्या उनके लिए उसी तरह तत्पर रहेंगे जिस समय थे? एकदम उससे भी ज़्यादा रहेंगे। अगर अभी तो खर्च हमारा तो पूजल नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन अगर रहता है तो उससे बेहतर तरीके से रहेंगे। जी, जो अधूरे काम छूट गए वही हो गए। जो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आपके द्वारा संदेश है? संदेश है कि भाई चुनावी वर्ष है, बहुत लोग महकाने फुसलाने वाले मिलेंगे, सभी जो भी यूथ है सबको यह है कि आप अपने धैर्य से काम लें, कहीं विवाद न क्रिएट करें, कहीं भी विवाद से बचें और मन मस्तिष्क को स्थिर रख कर अच्छे से अपने गांव सभा में या जिस भी क्षेत्र में आप मने वोटिंग का ये है आप मने अच्छे से लोगों को अधिक से अधिक लोगों को मतदान कराएं। जी 25 दिसंबर के कार्यक्रम खत्म होने के बाद सरकार किस तरह रुख लेगी कोई नहीं जानता है, कैसे आरक्षण होगा अभी तक तो किसी ग्राम सभा प्रदेश में नहीं आया, तो क्या क्या आपके दुष्प राय है आपके द्वारा?
कब तक चुनाव कराना चाहिए सरकार को? सरकार को तो सरकार का अपना डिसीजन है, अपना व्यक्तिगत राय। तो मन चाहते थे कि ये सरकार जो भी हमारा कार्यकाल खत्म हो उसी समय चुनाव करा ली होती तो ज्यादा बेहतर होता। जैसे अभी यहाँ एडीओ पंचायत जो भी लोग प्रशासन ये हैं प्रशासक बने हुए हैं, लेकिन गांव के लोगों को काफी दिक्कत है। आए दिन कम से कम 50 निवास बनाना पड़ता है। हमें ये है कि हम 25 के बाद आम पेपर नहीं बना सकते, लेकिन वही बैक गेट नहीं बना के देते हैं जी। ये कभी भी देखा गया कार्यकाल बढ़ता है तो प्रधान ही कार्यकाल देखते हैं, परंतु इस बार एडीओ पंचायत बीडीओ के पास चला गया। अब शासन की मंशा के अनुसार अब जो शासन चाहेगी उसी अनुसार होगा। हालांकि प्रधान लोगों ने इस पर अपना आपत्ति दिया हुआ है, लेकिन इससे कुछ मना ये नहीं है। जो शासन की इच्छा होती है मंशा होती है उसी के अनुरूप कार्य होता है। फरवरी चल रहा है, अभी बच्चों का परीक्षा भी है। परीक्षा तो मई में चला गया है, सीबीएसई के 4 मई से है। तो एक कोर्ट का हाई कोर्ट का आया हुआ भी है निर्देश कि 15 मई के पहले आप अभी चुनाव करा लें। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।